दोस्तों गुड मॉर्निंग, और मैं हूँ हानले में, और अभी सुबह हुई नहीं है, अभी 5:30 बजे है, एंड इज़ द फर्स्ट लाइट। सो प्लान ये है कि हम वो ऊपर वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है। सो प्लान ये है दोस्तों कि हम उमलिंगला आज ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यस, हानले के इतने पास आके उमलिंगला के हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो रीज़न है। एक तो उल्लास इज़ नॉट कम्प्लीटली मेंटली यू नो रेडी टू डू इट। ही सेइंग ही इज़ नॉट हैविंग यू नो एक राइट फीलिंग्स आज करने के लिए। कल से ही वॉज लाइक दैट, एंड ऑल्सो आज क्या है, हमें काफ़ी दूर जाना था वापस, क्योंकि कल हमें वापस घर पहुंचना है। तो अगर हम कुमलिंगला करके आते तो अभी वहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं, और अगर हम 6 बजे भी गए तो भी 11 बजे तक आएगा, और फिर हम वापस जहाँ पे हमें जाना है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कॉल लेनी पड़ती है। सो आई ऑलवेज से देर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, एंड आप लोगों को सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ कि इस बार मैं आपको उमलिंगला नहीं लेके जा पाया, पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर, ठीक है। सो ये अपडेट है, बाकी एडवेंचर चलता रहेगा। अभी दो दिन, मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन अभी हम और हैं साथ, सो लेट्स कंटिन्यू। रादर देन अफसोस बनाने से अच्छा है जो है उसको इंजॉय करें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस, एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, यू हैव टू टेक द टफ डिसीजंस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ हानले। मैं अभी आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। उल्लास भाई, उठ तो हम बिल्कुल सही टाइम पे गए, 5:48, 6 बजे तक हम तैयार भी हो जाएंगे। समझ रहे हो तुम ये क्या इशारा है? काश हमारे पास एक दिन होता, काश बारिश ना हुई होती, काश हमारे पास एक दिन और होता, तो हम भी उमलिंगला चले जाते, हम भी वहाँ फोटो खिंचवा लेते, और हम भी कह पाते कि वी आर ऑन द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। पर हर किसी को, या नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। सो अभी मैं दूसरा कैमरा लेकर आया हूँ, पहले मेरे को लगा आपसे बात कर लूँ। सन थोड़ा सा कहीं ना कहीं निकल गया है, अभी पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि दूर आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ एक वो बर्फ़ वाला जो पहाड़ है उसे गोल्डन लाइट, फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग पड़ रही है, पूरी चमक रहा है वो। सो यहाँ भी कहीं आ सकता है कभी भी, किसी भी टाइम। सो अभी हम पूरी रात को ओस थी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साफ करके आउटराइडर को, एंड देन लेट्स मूव। लव यू ऑल, लव यू गाइस, एंड थैंक यू। आई होप कि आप मेरे सारे डिसीजन समझ सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं
जो जब आप किसी के साथ आते हो, ऐसा बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब मेरी वजह से किसी और को कोई डिसीजन लेना पड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो हूँ, और कभी कभी क्या होता है कि किसी और की वजह से आपको डिसीजन लेना पड़ता है भाई। कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन आज लिया है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ उल्लास कि हम मान ही जा रहे, कहीं ना कहीं मेरा भी एक थोड़ा सा था कि वहाँ से करके तो आएंगे पर फिर बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी, क्योंकि वी डोंट वांट कि हम वापस यहाँ से जब जाएंगे कि हम पांग या सरचू में रुकें। मेरा बिल्कुल मन नहीं है पांग और सरचू में रुकने का, और हमारा ये है कि हमें बारह लाशला क्रॉस करना है, उसके बाद धारचा, जिस्पा, केलोंग, जहाँ भी पहुँच पाए। आप ही सोच रहे हो कि सर हर बार मौका नहीं मिलता इतनी दूर आए हो, पर ऐसा होता है लाइफ में, समटाइम्स इट हैपन्स कि यू आर सो क्लोज टू यू नो रीचिंग योर गोल। एंड सही बताऊँ तो हम हानले भी नहीं आ रहे थे, हमारा दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो सब हो चुका है सो हम वहीं पे कहीं घूम के कैन गो, पर हमने कहा कि चलो हानले चलते हैं, विल सी हाउ इट गोज एंड एवरीथिंग। एंड इवन रात को जो हमने शॉर्ट्स वॉर्ट्स लिए बाहर, हम करीबन 11 बजे तक वेट करते रहे, 11 बजे लाइट गई थी, 6:30 बजे से लेके 11 बजे तक लाइट आती है यहाँ पे, कि रात को फिर जो स्काई है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है लाइट के बाद, पर सम हाउ इट वॉज नॉट एज ब्यूटिफुल एज इन 2018, बट स्टिल इट वॉज ब्यूटिफुल क्योंकि मैंने वो देखा हुआ था, तो इसलिए मेरे को उतना नहीं लगा, पर स्टिल इट वॉज नाइस। एंड और हानले एक वैसे भी अच्छा है, मतलब जो ये एक पूरा एक जो एरिया है इट्स ब्यूटिफुल, बहुत छोटे छोटे घर हैं, सब जगह फैले हुए हैं। चलो अब बढ़ते हैं, आज भी बहुत लंबा दिन है, बहुत कुछ कवर करते हुए जाना है, पूरा रास्ता है पीछे, वाटर क्रॉसिंग्स नहीं साथ, इस बार एक तो वाटर क्रॉसिंग्स ने ना बहुत तोड़ा है, उल्लास भाई को तो बहुत तोड़ा वाटर क्रॉसिंग्स ने, और पानी कल जो मैं आपको मेरे साथ जिसने शेयर किया था रूम, मनीष वो उसकी बाइक है, वो तो सही में एक्चुअल में पूरा डूब गया था, मतलब जहाँ से वो आ रहा था। सो या दिस ईयर वाटर क्रॉसिंग्स आर टू मच। चलो रस्ते में भी बात करेंगे कुछ, ठीक है, अभी सामान लगाता हूँ। यहाँ पे बस एक इशू है कि अगर आप रूम्स ले लेते हो जो पर्सनल रूम्स है, उसमें तो क्या बाथरूम अटैच्ड है, और दो रूम इनके पास ऐसे हैं जो शेयरिंग वाले हैं जिसमें तीन तीन बेड पड़े, उसमें दिक्कत बस एक है, बाथरूम ये है, समझ रहे हो, और वो बस ऐसा ही है, बस काम चलाओ, ठीक है। तो वो इनको एक कॉमन बाथरूम बना लेना चाहिए था अच्छा सा, पर एनीवे दैट इज़ द स्टोरी। सो अभी हमें मुंह धोना है, और मुंह धोने के लिए हमारे पास अभी ये है पानी का चैनल, तो इसी में ही धो लेते हैं मुंह, क्या बोलते हो? नहीं चलो गाइस इट्स टाइम टू गो, बाय बाय। तो हानले मेट लॉट ऑफ बाइकर्स हियर एंड बाय बॉस, बाय, थैंक यू। तो हम आज टाइम से पहले निकले हैं, यस, हमने सोचा था कि 7 बजे हमें ऐसा निकलना है, सो राइट नाउ इट्स 6:53, ठीक है। कल का एवरेज देखें, कल का एवरेज है 45.6, सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल हानले फॉर यू गाइस, देख लो असल तसल्ली से देख लो। अभी हम ऊपर ऑब्जर्वेटरी जा रहे हैं, एटलीस्ट मैंने कहा ऑब्जर्वेटरी तो घूम कर आए, ऊपर से कुछ नज़ारे हैं बढ़िया वो देखें और फिर निकलेंगे गोली की तरह। ये इन्होंने बंद कर रखा है, पहले ये बंद नहीं होता था, यहाँ पे आप ऊपर तक जा सकते थे, अब इन्होंने एक बैरियर, पहले यहाँ पे बैरियर नहीं होता था, अब इन्होंने बैरियर लगा दिया है यहाँ पे।
चलो दोस्तों, ऊपर तो नहीं जा सकते यहाँ के लिए। अगर आपको ऊपर का एंजॉय करना है तो फिर आपको मेरे 2018 का जो अप नॉर्थ की सीरीज़ है वो आप देख सकते हो। I'm top of Hanle and I'm at famous Hanle ki jo observatory hai wo mere piche saans phul ke yahan pe upar aate hain aur aap dekho niche wahan pe kahin motorcycle hai। गहरी गहरी सांस लीजिए, अगर सांस फूल रही ऑक्सीजन भी कम है, हाइट भी है और मैं चढ़ के भी आया हूँ। एनीवे ये थी ऑब्जर्वेटरी, इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, एंड यहाँ से व्यूज़ आर फैंटास्टिक ऑल अराउंड। और थोड़ा सा हाइट पे है, बहुत खुशी अंदर से। I'm always happy to talk to you guys। बस मैं ऊपर तक गया था, मैं ऊपर फोटोज़ वीडियो सब बनाए थे मैंने। थोड़ा सा इस साइड देख कर आते हैं, थोड़ी क्या सीन है यहाँ पे। वाइल्ड हॉर्सेस, वाइल्ड हॉर्सेस कह रहा हूँ, वाइल्ड डंकीज। जाना तो हमें वापस है, और ये आई थिंक ऐसे घूम के ये रास्ता जाता है, नबरूला जो वाला रास्ता है, ऐसे जाके फिर ये ऊपर कहीं चढ़ता है। मैंने कहा फ़ोटो वोटो खींच लें यहाँ पे, फिर वापस ही जाना। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ड्रोन उड़ा लेता हूँ। Let's go।
हिमालय अभी भी एक ऐसी जगह है, मेरे को ऐसा लगता है लद्दाख में, ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ जनरली लोग जाते हैं, जो थोड़ा सा अभी भी अनटच्ड है, मतलब इन अ सेंस की डेवलपमेंट को लेके। पर स्टिल अभी यहाँ काफ़ी देख रहा हूँ मैं नए नए होम स्टेज और वो सब बन रहे हैं बड़े बड़े थोड़े, बट या स्टिल यू फील लिटल, यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आपको फील आती है कि आइसोलेशन वाली। यहाँ पे जैसे पावर लाइट की कोई लाइन नहीं, लाइट यहाँ पे लोकलाइज्ड है, मतलब जनरेटर चलता है शाम को। 2018 में भी ऐसा ही था। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हम बिना दिए चला गया था। मैं गया था घूमने के लिए, है मिलने के लिए गया था, मिला नहीं हमें, हमें ढूंढने। हाँ। अरे हम वापस आ जाते, ऐसा क्या सोचा आपने? कहाँ से पता है? हम ऊपर गए थे, ऊपर तो बंद है ना। हाँ, फिर वहाँ फोटो खींचने लगे। हाँ। फिर याद आया हमने पैसे तो दिए नहीं। हाँ। फिर वापस आए। बाय 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 बाय, सेफ जर्नी। जिसपा जा रहे हो ना? हाँ, जिसपा जा रहे हो ना? हाँ, ओके बाय बाय। सो जो ऊपर आप देख रहे हो ये ले मॉनेस्ट्री है, पीछे से इसका रास्ता है। एंड अगर आप आए हो तो टाइम है आपके पास, तो आप ये भी कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले रहा था बाइक के, वो मेरे पास एक फ़ोटो है घर पे, उसका मैंने फ्रेम करवाया था जब मैं 2018 में आया था वर्सेस का, तो बिल्कुल सेम एंगल में एक फ़ोटो। मेरे को कुछ तो याद था कि यहाँ पे खड़ी थी, ऐसे था, ये था, उस टाइम रोड बहुत अच्छी थी ये, और क्या कहते हैं, उसी सेम टाइप का एक शॉट लेना चाह रहा था। अब पता नहीं, अब तो घर जाके पता चलेगा कि वो शॉट कैसा आया है। बाकी बढ़ते हैं न्योमा की तरफ, और न्योमा में भाई वो पंचर वंचर लगवा ले, क्योंकि एक पंचर और निकल के आया। अब दो में से अगर हवा निकलेगी तो काफ़ी जल्दी जल्दी कम होती चली जाएगी। और सुबह जल्दी निकलने से एक चीज़ मैं और होप कर रहा हूँ कि जो वाटर क्रॉसिंग से उसमें पानी कम होना चाहिए, इतना कल था। बाकी तो अपडेट देता रहूँगा, जुड़े रहिए दोस्तों। आज बहुत दूर जाना है, टुडे इज़ लाइक अ टफ डे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मेनली, और रास्ते ये रास्ता जाता है मॉनेस्ट्री की तरफ। और जैसे आप हानले से बाहर आते हो, ये जो रास्ता है जो लेफ्ट से मतलब राइट जा रहा है, ये चुमूर वाला है जो आपका फोटिला होते हुए जाता है, यहाँ से आप जाते हो। पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि योर परमिट एंड्स हेयर, है ना, डोंट गो अहेड, ऐसा एक यहाँ बोर्ड होता था। और वो बोर्ड यहाँ से हट गया है, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ओमलिंग लोकल होके। हाले की सब अपडेट हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, रोजर आउट, मिलूंगा आपको वाटर क्रॉसिंग में, जो खतरनाक सी वाटर क्रॉसिंग है। सो बस थोड़ा वाटर क्रॉसिंग थोड़ी देर में आने वाली है। मेरे को लगा अभी देख रहे हो कोई बादल, जो ये बादल हैं ये दूसरे बादल हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले बादल होते हैं जो इस टाइप के बादल होते हैं, और वो जो गोल गोल से गुच्छे की तरह होते हैं वो लोकलाइज बादल होते हैं कम हाइट वाले। सो ये तो मतलब है, अब अभी उस टाइप का एक भी बादल नहीं है, और दोपहर होते होते देखना सब बादल यहाँ क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं, पूरे शाम तक क्लाउडी हो जाता है। बादल भी बहुत टाइप के होते हैं आपको पता है, और टाइप्स इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, कौन सी हाइट पे किस टाइप के बादल होते हैं। हाँ,
और एक चीज़ और है मेरे को डिस्कस करनी थी, मेरे को मैंने बस ही बात चल रही थी, मेरे को लगता है कि बहुत सारे शायद यूज़र्स को नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप हिमालयाज़ में आते हो, आपको हिमालय से इतना प्यार है, सो बेसिकली जो हिमालयाज़ हैं ये बने कैसे, मतलब कि ये हमेशा हिमालयाज़ यहाँ पर हमेशा के लिए मतलब ऐसे थे नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम सो बेसिकली जो हिमालयाज़ हैं वेरी यंग माउंटेंस, वेरी वेरी यंग माउंटेंस, अगर पूरे अर्थ का एक हिस्ट्री लो सो बहुत यंग माउंटेंस में आता है, तभी इसके जो आप देखोगे ना जो पहाड़ हैं वो बड़े नोकीले से होते हैं, नोकीले से है। और इसलिए इनका इरोजन होता रहता है, मतलब लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, टूटते रहते हैं, धीरे 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 सब गोल टाइप हो जाएंगे, जैसे ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। ये हिमालयस जो बने थे बेसिकली क्या था कि एक आपकी जो इंडिया की मतलब बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो जब कॉन्टिनेंट्स भी नहीं बने थे प्रॉपरली, तो जो इंडिया वाला टुकड़ा है ये नीचे से ऊपर जो ये एशिया वाला टुकड़ा है इसमें से एक लैंड मास था वो ऐसे ऐसे आके ऐसे टकराया, और जब ये टकराया तो टकराने से वहाँ पे माउंटेंस खड़े हो गए। दीज आर ट्यूटोनिक प्लेट्स, वो जो नीचे होती हैं जो उनको फॉल्ट लाइन्स बोलते हैं, तो इसलिए हिमालयस के पास पूरी फॉल्ट लाइन्स है। अर्थ को एक बहुत आते हैं जो अफगानिस्तान में आपने सुना होगा उस टाइम उधर उधर, सो ये बेसिकली तब बने थे हिमालयस। और इसीलिए बहुत बार बोलते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं हिमालयस में, दोज आर रीजन्स बिकॉज जब ये टकराए और ये माउंटेंस बने तो वो जो सी वाटर था वो बेसिकली लिफ्ट अप हो गया, मतलब दैट्स व्हाट साइंस से। चलो ज्ञान की बातें हो गई सुबह सुबह स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे। ये क्या कर रहे हैं, हाँ ये वहां से क्यों जा रहे हैं, है शायद गाड़ी फंस गई थी, गाड़ी आ गई। मेरे को ऐसा लगता है कि इसी में से ही सही है, हल्का सा टायर उतार के, सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट रूट इधर से उधर से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गहरा है।